पहली गल तो यह भी साडे किसान यूनियन के जिहड़े लीडर साहब देखो उन्होंने भी आह जी रिपोर्ट पढ़ के इन्हें तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए भी इन्ना दुआला निकले जो तुम मीटिंग बहने हो हूँ तो शांता कुमार ने सीधा थोड़ा लिखती रूप से दे दिता तुम्हें उन्होंने मूँह तो मारो भी आ चको थोड़े अफसर की करतूत छोटे शांता कुमार ने मुख्यमंत्री रहा केंद्रीय मंत्री आने खुद लिख दिता झूठ कितने रह गया भ्रिष्टाचार तुम करो सजा सानू दो ये खुद मन गया भाई पांच साल मैं मिनिस्टर रहा मैं पता ही नहीं थी तुम थले किमें सुधार कर लो इतू पहली एक रिपोर्ट जिन्हें लिखा कहना खंड मिल बारे मैंने पता नहीं भावें इमानदार होने का सबूत दिता जा इन्हें आ भी जीवनी स्वैजीवनी लिखी आ चंकी कलम चंगा लिख रहा पर गल तो यह भी जी अज लोगों के लिए हैरानीजनक गल है भी साढ़े मुखिया कोई जिम्मेवारी का ज्ञान ही नहीं जे तुम भ्रिष्टाचार नहीं खत्म कर सकते फिर तो सरकार ने तोड़ दो तो खुद मनिया संत कुमार ने कहता भी भारत के बहुत व्डे पद्धर से फैलिया गया सारे भारत को पता हूँ जो तुम खुद मन रहे हो फेल हो जे तुम किसी चीज़ पर फेल हो जहाज के ड्राइवरी कर रहे हो तुम थोड़ा ड्राइवरी नहीं आती फिर की होगा क्रैश हो जूगा हूँ क्रैश हो रहा सत श्रीकाल दोस्तों तुम वेख रहे हो अजीत वैब टीवी मैं मनजिंदर सिंह सरावत दर्द किसानी का जेकर खेती किसानी की गल करिए इस मंदड़े हाल दी कथावां ने जिहड़ियां पिछले लंबे समय तो चल रही हैं यह सिलसिला रोकण का गल नहीं नौ नहीं लै रहा किसानी हत्यावां किसान खुदकशियां हर रोज़ परिवारां दे विच घरां अंदर सत्थर जिहड़े ने उह विछ रहे ने पिछले दिन ही जेकर आपां गल करिए देश दे साबका केंद्रीय मंत्री अते हिमाचल दे मुख मंत्री श्री शांता कुमार दी इक जिहड़ी स्वै जीवनी सी उहदे विचों कुछ अंश ने जिहड़े उह अखबार दे विच प्रकाशित होए ने उन्हां वल्लों भावें अपने तौर पर कुछ निजी गल्लां नूं सही ठहराया गया सो इस विषय पर अज साढ़े नाल पहुँचे ने आम आदमी पार्टी के सूबा किसान विंग के सूबा प्रधान प्रोफेसर जसवंत सिंह गजन माजरा उन्हां दे दिमाग विच की चल रहा जां उन्हां ने इस मामले पर जिहड़ी अपनी वड्डी प्रतिक्रिया वो देण दे लई साढ़े नाल गलबात की है सो उन्हां दे विचार श्री शांता कुमार की जिहड़ी रिपोर्ट है जां जिहड़ी उन्हां दी स्वै जीवनी है उहदे ते अज गल करदे ने साढ़े नाल प्रोफेसर जसवंत सिंह गजन माजरा स्वागत है जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह मैं कल मैंने एक पंजाबी दे अखबार दे विच शांता कुमार की स्वै जीवनी जी लड़ीवार किश्त चल रही है पांचवी किश्त मैं पढ़ी तो मैं पढ़ के वैसे तो हैरानी वाली कोई गल नहीं तो बहुत सारे लोगों को पता पर पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा हैरानी भी जिन्हां लोगों नू असी आम सधारण जनता मुख्यमंत्री अहुदे तक केंद्रीय मंत्री तक ईवन प्रधानमंत्री तक अहुदे बख्शदी आ भी वो आपदा पीरियड भी खत्म कर लेंगे सरकार भी चला देंगे उन्होंने अपने महकमे बारे नहीं मैं इतने शांता कमजोर की कल्ले की कमजोरी बारे गल नहीं करता मैं समुची चाहे राज सरकार ने चाहे केंद्र सरकार ने भी जिहड़े मिनिस्टर ने वो अपने विभागों नाल अन्याय नहीं करते उन्होंने ग्राउंड रियलिटियां का पता नहीं इस रिपोर्ट के पिछे 7000 हो गया उन्होंने नहीं पता शांता कुमार ने खुद लिख दिता जिहड़े अफसर ने जिन्हां नूं सैकटरी लैवल ते आईएएस ने तो मैनूं बहुत बार अफसोस हुंदा भी साडे भारत च एजुकेशन च बहुत सारे नुकसान ने जदों अफसर चुणदे ने ये दिमागी बंदे नूं चुनने की बजाय मैमरी नूं चुणदे आ हुण जिहड़े मैमरी दे आधार ते अफसर बनदे ने वो राज नहीं चला सकते हुण जिहड़े राज सही नहीं चला रहे तां इहदा मतलब भी लोकां च भला नहीं होना हुण जिहड़े अफसर ने जो कमजोर भी होवे जो ईमानदार होवे तां राज चल जे जे लीडर नूं ग्राउंड रियलिटी का पता होवे तां आपदे अफसरां नूं नत्थ पा दे फिर जदों दोनों चीज़ों नूं नहीं पता तो तुसीं थल्ले लखां करोड़ां अरबां टैक्स जा रहे ने खत्म हो रहे ने किवें पता लगे हुण इक तां हुंदे आ भी कही भी गल है एक बंदा खुद लिखदा मैं शांता कुमार दी एक गल्लों प्रशंसा करदा भी जे उहदे मन च थी उहने गल्लां लिख दित्तियां पर उहनां दे तत्थां दे अर्थ बहुत डूंघे ने उहने मन लिया जे बंदे ने मन लिया मैं उहनूं कसूरवार भी नहीं मनदा उह की मनदा कहिंदा तुहाडे अखबार दे विच आ वो की कहना कहना जो साड़ी कमेटी बनी इन्हू चेयरमैन बनाया तो वो मुख्य ड्यूटी
डॉक्टर अशोक गलाटी की सी ते मन उन्हें कहना जिहड़ी जानकारी की इकट्ठी इस महकमे का मैं मंत्री होने नाते मैनू सीधी बिल्कुल नॉलेज नहीं आप मानते ने समझता आप आ देखो खुद उन्होंने लिखा मैं कैमरामैन कहूँगा दिखा देवे अजिहे बहुत सारे तत्थों की जानकारी हुई जिन्हां संबंधी खुराक मंत्री ने आया मैनू पता नहीं लग्या भारत की फजूल खर्ची भ्रिष्टाचार लगभग हर थां ते बहुत ज़्यादा है पर भारतीय खुराक निगम च भयानक रूप धार चुके हैं निगम के मुलाजम यूनियन बारे बहुत कुछ लिखा कहना यूनियन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है इन्हें गैंग लीडर लिखा मैं कहना भी जो पोलीटिकल पार्टी आते हैं अफसर आते हैं ये कहना गैंग लीडर ने जे एक यूनियन दे आपां मुखी नूं गैंगिस्ट बोलते हैं तो यह भी उहदी दिमाग का दुआले निकलने वाली गल है ये नेता जी जे आपां गल करिए थोड़ा जिहा ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਆਲਾ ਇਸ ਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਲਿਖਤਾ ਝੂਠ ਲਿਖਤਾ ਇਹਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਤਨ ਕਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਵਸ ਹੁਣ कमेटी ने रिपोर्ट बनाती प्रधानमंत्री तो टाइम मंगया टाइम मंग के उन्हें 25 मिनट कहना प्रधानमंत्री हैरान हो गया भी इन्नी भ्रिष्टाचार है तो कहना 1 रुपये वाला अनाज थले पहुँचता बंदा 3 रुपये हो जाता हूँ इन्हें साफ मन लिया गल्लां मैं विशेष तौर पर ये सारे अमले फैले दे विच एक सिट्टा कटिया थोनू पता भी थोड़ा मरीज बीमार आ हूँ जे तो तुम ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਅੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿਓ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹਾਂ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਸਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਫਸੀਆਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੁਣ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਫਸੀਆਈ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਐਫਸੀਆਈ ਤੋੜੋ ਹੁਣ ਐਫਸੀਆਈ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਅ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰੀਦੂਗੀ ਕੋਈ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਸਟਾਕ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਆ ਲਗਭਗ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਬਸਿਡੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪੇ ਨਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 40,000 ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 40,000 ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
हूँ इन्हें लिखा कहता निधि किसान सम्मान निधि योजना मैं दी हूँ मैनू एक गल दसी भी जो इलैक्शन सी अपने भी वाली का किसान नीति के आधार से शायद उस तो पहला इन्हें करी थे कांग्रेस ने कहता अभी करजे माफ करा पंजाब करजे माफ नहीं हो उन्होंने इस योजना का विरोध जोकू पक्ष करने किसान निधि योजना ले आई हूँ जी किसान निधि योजना 2000 रुपया तीन महीने बाद देंगे साल का सा 6000 रुपया मैं शांता कुमार जी को पूछना चाहना भी जे तुम एड्डी वीड्डी सिफारिश करी है जो लागू कर 6000 ना आत्महत्या नहीं रुके आत्महत्यावान भ्रिष्टाचार लीडर का भ्रिष्टाचार सिस्टम तेल भी नहीं चलता नहीं बिल्कुल 6000 रुपये तो तुम महीने की ला लो भी 500 रुपया होया 500 रुपये के चीज़ आँदी है दू उल्टा तुम जी शायद इन्हों नहीं ज्ञान भी जो किसी किसान की मोटर मच जाए तो एक बार 5000 रुपया लग जाता ये भी नहीं पता तो दूजा यह भी है भी किसान ये तो कहें असी डायरैक्ट दई अकाउंट के हूँ किसान ऐतकी DAP कि महंगा हो गया एक पास तो कहने किसान दौ मैं कहना कोई भ्रिष्टाचार होने ला DAP फ्री कर दो यूरिया फ्री कर दो सारा उधर दे दो किसान ने लेना ही नहीं किसान तो ना तो DAP किसी के ब्लैक च कम आना ना यूरिया किसी के ब्लैक च कम आना ना जी कखा वाली दवाई है वह किसी के कम आनी है ना कीटनाशक दवाई किसी के कम आनी है वो फ्री कर दो सीधा कंपनियों को दे दो हूँ दूजे पासे उल्टियां गल्लां करते हो मैनू एक गल की बहुत हैरानी है भी जे भारत में कौन सुधारूगा ये तो डेमोक्रेसी भी खत्म हो जा रही है ये जे मनमर्त वाले जे मैं तो इन्हों पढ़ाई के तौर पर चाहे पढ़े हो मैं तो इन्हों अनपढ़ मंत्री कहूँगा क्योंकि जे किसी सब्जेक्ट की नहीं नॉलेज मैनू संस्कृत नहीं आती मैं अनपढ़ मैनू फारसी नहीं आती मैं अनपढ़ ये अनपढ़ मंत्री प्रशासन किवें चला सकते हैं जेडे इन्हों अफसर ने हूँ IAS के कोई नंबर वध ले लवे उन्होंने वधिया पोस्टिंग ये सैकटरी बन गया जी मैं कहना मैं 50 वड्डे अफसर 50 दूजे IPS देखता जानता हंकार नाल तो नको नक भरे पे ने सुधार बारे उन्होंने ज्ञान नहीं प्रबंध उन्होंने कदे किया नहीं हुंदा पढ़ाई की यूनिवर्सिटी के छोटा जिहा कोर्स किया सीधे जाके चाके DC ला देंगे हुण जिहड़े ओह DC ने उन्होंने तो आपका घर नहीं चलाना हुंदा वह आके सिर दे अच्छा जिहड़े उन्होंने मंत्री ने किन्ने मंत्री जिहड़े विरासती ने किन्ने मंत्री ने जिन्हां ने अज तीजी पुस्त आके मंत्री बनती है दूजी पुस्त मंत्री बनती है पिछले 20-20 सालों के कल जिंदाबाद मुरदाबाद के तौर पर रेंगे ने जिहड़े लोगों का दर्द आ वो ये थोड़ा भी उन्होंने थोड़े अधिकारियों की फोटो लेनी है तुम कि तनखाह लें हूँ इन्हें एक गल कह दी राष्ट्रपति ने भी वध मैं एक गल कहना विशेष तौर पर शांता कुमार जी को बेनती है मेरी भी तुम एक गल मैनू दसो भी अद तनखाह राष्ट्रपति तक किन्नी है तनखाह तो सबर कौन कर रहा कोई अधिकारी सबर कर रहा जदों पोलीटिकल लीडर अरबा रुपये के घोटाले कर रहे हैं तो अधिकारी कहने असी तो लखा का करते हैं वो आपदे आप जस्टिफाई कर लेंगे फिर इस हमाम से सब नंगे ने हुण तुसी एक गल देखो कल्ले आ अपने जी चलते हैं खनज खाना चलते हैं रेत बजरी का लखा ने करोड़ों अरबा रुपये के घोटाले ने सीधे ही प्रोफेसर साहब जे आप रिपोर्ट का तत्सर कहिए तो मैनू लगता भी कि ना कि जी अपनी अफसरशाही है वो सारी कसूर है जोड़ा वो किसानों के गल है जोड़ा ज लेबर यूनियन के गल नहीं पाया गया तो की लगता नहीं मैं तो स्पष्ट तौर पर कहा इन्हें भी मने लिया सारा प्रशासन का कसूर है सारा प्रशासन का सारा प्रशासन के अफसर मिनिस्टरी दोनों का कसूर है ये खुद मन गया भाई 5 साल मैं मिनिस्टर रहा मैं पता ही नहीं थी तुम थले कि सुधार कर लो इतू पहली एक रिपोर्ट जिन्हें लिखा कहना खंड मिल बारे मैं पता नहीं भावें इन्हें ईमानदार होने का सबूत दिता जा इन्हें आ भी जीवनी स्वै जीवनी लिखी आ चंकी कलम चंगा लिख रहा पर गल तो यह भी जी अज लोगों के लिए हैरानीजनक गल है भी साढ़े मुखिया कोई जिम्मेवारी का ज्ञान ही नहीं जिम्मेवारी चकन जोगे नहीं हूँ अफसर ने जे अज मैनू लगता कहते हैं 2-3 लाख करोड़ की टोटल FCI घाटे दसो उस नोमीनेशन किनू किया इन्ना रुपया गया कितने वो कोई इनकुआरी कोई सिट बैठे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट का जज
बैठक की इंक्वायरी कर पिछले 15 साल तो कर पिछले 25 साल तो कर जिन्हें अधिकारी उन्होंने कि जेल एक नवी जेल नहीं बनू एक नवी जेल बना सारा उन्होंने दसन भी आपने कट्ठे खाते थे पूरे जिन्ना कसूर है हाँ उस हिसाब न ताड़ दिता जाए ना उस हिसाब ने एक जेल च रख सारू हूँ अज किसान उत्थे मर रहे हैं आत्महत्यावान जीवन के सब तो औखा काम मर हूँ जदों कोई किसान अपने परिवार समेत आप मर रहे हैं लखों किसान मर गए यार मैंने एक गल दस दो होर धंधे च मरदा हूँ भी मोर्चे तो आके जाके सारे भारत दुनिया तो जान की खबर सारे ने हूँ आत्महत्यावान वर्गे 2000 रुपया दे के वो कहते हैं भी ये आत्महत्या नहीं करू थोड़ी नुकसता थोड़ी प्रणाली चा मैं कहना कोई सबसिडी भी नहीं किसान भालता हूँ पानी फ्री हो गया दवाई फ्री हो जाए यूरिया फ्री हो जाए कर दो ओपन मार्केट वो जो भी दूजे पास आमदन गिन दो खर्चे तो गिनते ही नहीं एक नेता जी इन्होंने आख्या भी इस रिपोर्ट के आधार से किसान निधि सम्मान जी योजना से भी वह लागू की गई वो तो पोलीटिकल स्टंट थी जे पोलीटिकल स्टंट तो कांग्रेस जुमला नहीं लागू कर 6000 रुपया की गल साल एक किसान 15 जी ने खेती तो करते हैं वो को 2 किले 3 किले 4 किले 4 किले वाले का 10 जी ने 10 जियां 6000 रुपया वंड के देखो किन्ना है हूँ यह मजाक आ जे मजाक आ तो वह हल की होगा अज मैं खास करके पहली गल तो यह भी साढ़े किसान यूनियन के जोड़े लीडर साहब देखो उन्होंने भी यह जी रिपोर्ट पढ़ के ये तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए भी इन्ना दुबला निकले जो तुम मीटिंग बहने हो हूँ तो शांता कुमार ने सीधा थोड़ा लिखती रूप से देता तुम उन्होंने मुँह तो मारो या चको थोड़े अफसर की करतूत छोटे शांता कुमार ने मुख्यमंत्री रहा केंद्रीय मंत्री रहा उन्हें खुद लिख दिता झूठ कितने रह गया भ्रिष्टाचार तुम करो सजा सानू दो ये तुम मैं एक दसदा कला जी जो महाराजा दलीप सिंह गद्दी तो अंग्रेजों की बदनीत हो गई भी गद्दी तो लाना मूल राज की हुई बगावत वो 8 महीने बगावत ना दवाई उस बगावत लाहौर सैना ने जाके दवाई महाराणा रणजीत सिंह दे सपुत्र महा दलीप सिंह उन्हें दवाई उतों आके हार के गद्दी तो दलीप सिंह ला दिता ये तो ये गल हुई भी कोई किसी बुढ़ी ने अपने घर मतलब वो घर चोरी हो गई आके पुलिस उन्होंने कहे फट के बहुत भी तू ये चल बाहर घर हूँ साडा हो गया हूँ चोरों तो बख्श रहे ने सारे अफसरिया सारा कुछ पैसा किसानों सजा किसान मजदूर के गल पाऊंगा हाँ मजदूर के मैं समझता भी ठीक है जी उस कोई नुकसा नहीं उन्होंने जिम्मे किसानों सीधा किया उन्होंने भी सीधी पेमेंट कर देना वो तो सुधार करना की औखा देखो जे तुम कमेटी बनाने थोड़े अफसर जान आ सुधार करना जे चंगे पक्ष थोड़े मन च हैगा कोई भी जवाब नहीं होंगे सुधार में हूँ जे थोड़ी बदनीत आ सुधार में तो जद नुकस पैना इस करके मैनू बहुत अफसोस आ भी खुद मन चुके ने उस शांता कुमार की रिपोर्ट के आधार पर ही यह अज 3 जिन्हें काले कानून कहा सी उन्होंने लेके आ रहे हैं हूँ जे काले कानून ने यही रिपोर्ट के आधार पर तुम लागू कर रहे हो तुम्हें शर्मसार होना चाहिए थोनू मतलब नक डुबो के मर जाना चाहिए क्योंकि उन्हें भ्रिष्टाचार की गल की आ भ्रिष्टाचार के साथ किसान जथेबंदियां भी साथ देने जी उन्होंने अफसर सज़ा दे के देखो मिनिस्टर सज़ा दे के देखो भी वह जाता कितने 31,000 करोड़ तो पंजाब के बादल गौरमेंट पहुंच गई एक बड़ा घपला इन्होंने चक के लोन से तब्दील करता वो गया कितने रौला तो यह जे वो गया जावे कितने रौला तो आ 24,000 करोड़ की कणक हूँ तक लग खरीदी है 25,000 की ला ला 31,000 की यदा मतलब है भी पूरी की पूरी एक कणक सारी खा गए 31,000 करोड़ की कणक नहीं रौला पे 31,000 का ऐ तो देखो भी कणक बनती कि सारे पंजाब की टोटल कणक खा गए घपले चुकी एक 27-28 हज़ार की बनूगी वो तो वे हूँ उन्हें पूरी की पूरी कणक खा गए तुम उन्होंने देखो तो क्वांटल गुणा करके सो बड़े सवाल ने प्रोफेसर साहब वालों जोड़े चुके गए ने इस रिपोर्ट से योजना रिपोर्टा पिछले समय अंदर भी लागू होंदिया रही सपदिया रही पर किसानी की जी किस्मत है वह ना बदली सो बेबाकी सवालों के जवाब ने जोड़े वो प्रोफेसर गजर महरा साहब दिते ने कुपकलों तो मनजिंदर सिंह सराओ के नाम रजीव कुमार।
देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।